राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे परिवार की ओर से। ये दिवाली आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए। दिवाली की पूजा आप बहुत कम सामान में किस प्रकार कर सकते हैं, अगर आप घर से बाहर रहते हो, दिवाली की पूजा बिल्कुल कम सामान में करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो ना केवल आप लोगों के लिए है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह की तस्वीर आपको दिवाली पर ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो तस्वीर को जो है ना आप डबल साइडेड टैप से आप चिपका लीजिए, नहीं तो खीर का जो चावल का दाना होता है ना उससे भी आप चिपका सकते हैं। पुराने ज़माने में लोग ना इसी तरह से चिपकाते थे, या फिर आटे की छोटी सी लोई लेकर ना उसे चिपका देते थे दीवार पर, और ये पोस्टर जो है ना सालों चिपका रहता था। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति है तो इस पूजा में आप लक्ष्मी गणेश जी को भी जो है ना विराजमान कर लेना चावलों के आसन के ऊपर, और लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिनी ओर जो है ना दीपक आपको विराजमान करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक फूल में रोली चावल लगाकर दीपक का पूजन कर लेना। उसके बाद आपको लक्ष्मी जी गणेश जी को स्नान कराना है। तो एक तांबे के लोटे में मैंने थोड़ा सा जल और गंगा जल मिलाकर रख लिया है, और एक पुष्प से जो है ना इस तरह से मैं जल जो है ना थोड़ा थोड़ा करके आपको छिड़कना है। बहुत ज्यादा मत छिड़कना, थोड़ा थोड़ा करके छिड़क देना, तो इससे जो है ना एक भाव का स्नान हो जाएगा और वो जगह जो जहाँ हम पूजा करने वाले हैं वो जगह भी जो है ना शुद्ध हो जाती है। इसके बाद जो है ना कलावा रूपी आपको वस्त्र अर्पित करने हैं, और रोली का चंदन का जो है ना तिलक कर दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए, और मूर्ति अगर इस तरह से कांच की फ्रेम में या इस तरह की फ्रेम में अगर बंद है तो आप पुष्प में रोली चावल लगाकर इस तरह भी जो है ना आप चढ़ा सकते हैं। जनेऊ भी आपको अगर आपके पास है तो आप गणेश जी को और कुबेर जी को जो है ना जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी और माता सरस्वती का जो है ना पूजन जो है ना होता है। अगर आपको मार्केट में सीताफल मिल जाए तो केवल सीताफल ही आप लेकर आ जाना, क्योंकि माता लक्ष्मी को जो है ना सीताफल बहुत प्रिय है। अगर ना मिले तो जो फल मिल रहे वो भी ला सकते हैं। ये दिन जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो थोड़े से पैसे पूजा में आप ज़रूर लगें, और इन पैसों को जो है ना अपने घर की तिजोरी में रखा जाता है। चाहे आप 101 रुपये भी रख रहे हों, अपनी स्थिति के अनुसार रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी गड्डी रखना है, सबके पास इस तरह की स्थिति नहीं होती है। तो केवल 11 रुपये भी कर आप माता लक्ष्मी पर उन 11 रुपए की अगर पूजा करेंगे तो इससे आपके घर में बरकत होगी। इस तरह से खड़ी हल्दी लेनी है, कौड़ी लेनी है, गोमती चक्र लेने हैं, और जो है ना कमलगट्टा लेने हैं। अगर इनमें से कोई भी सामान अगर आपको मिल जाता है तो पूजा में माता लक्ष्मी को आप जरूर चढ़ाना। आपकी किचन में खड़े चने, मतलब कावली चने, काले चने और गेहूं चावल, अगर इनमें से इस तरह के कोई अनाज है, मतलब खड़े अनाज हैं, तो इनकी जो है ना आज के दिन पूजा की जाती है, ताकि आपकी रसोई घर का जो सामान है यानी भंडार है ना वो हमेशा भरा रहे। और हाँ, माता लक्ष्मी को सूखा हरा धनिया, खड़ा धनिया जो है ना ज़रूर चढ़ाना। मैं हरा धनिया बोल रही थी, खड़ा धनिया जो है ना ज़रूर चढ़ाना। अगर आपके किचन में है तो भी चढ़ाना है, अगर नहीं है तो मार्केट से जाइए और लेकर आइए, और माता लक्ष्मी को खड़ा धनिया ज़रूर चढ़ाना आप लोग, इतना प्यास कर लेना। इसके बाद माता लक्ष्मी को सुहाग का सामान चढ़ा देना, और इन सारे सुहाग के सामान को बाद में आपको ही पहनना है, किसी और को नहीं दिया जाता। तो इसे जो है ना घर की लक्ष्मी ही पहनती है। इसके बाद दिवाली की पूजा में खीले बतासे चढ़ाए जाते हैं, तो माता लक्ष्मी पर जो है ना खीले बतासे की बारिश की जाती है। ये मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया है, इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाया। और हाँ, दिवाली के दिन भले ही आप अपने घर में एक मिठाई बनाना, लेकिन अपने हाथों से बनाकर उस पर माता लक्ष्मी का भोग ज़रूर लगाना, क्योंकि अपने हाथों की बनाई चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हो ना, और उनके लिए हम अपने हाथों से और प्रेम से कुछ बनाते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वही भाव आपको रखते हुए माता लक्ष्मी के लिए जरूर मिठाई ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद आपको आरती करनी है, आरती करने के बाद इस तरह से जल का अर्घ दे देना, और बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से मैंने आपको पूजा करना देखिए दिखा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, दीप जलाना है। तो दीप आप 7 भी जला सकते हैं, 11, 21, 51, अब देखिए आप जितना जलाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, चावलों के आसन के ऊपर इन दीपकों को विराजमान कर लेना है। सभी दीपकों में आप तिली का तेल भर सकते हैं, अगर आपके पास तिली का तेल नहीं है तो आप घी का प्रयोग करें। लेकिन जो बीच वाला बड़ा दीपक आप वीडियो में देख रहे हैं, ये तिली के तेल का ही जलता है, इसकी प्रधानता तिली के तेल की ही है। और हाँ, जो बड़ा दीपक आप देख रहे हैं, इसमें 4 मुक्की बाती लगती है, मतलब चारों दिशाओं से माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करें, इसीलिए दीपक जलाया जाता है। इसे माता लक्ष्मी का अखंड दीपक कहते हैं। तो इसको आप
पूरा भरना है आपको और कोशिश करना है कि पूरी रात जो है ना ये दीपक जलते रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो एक रिवाज है कि इस दीपक से जो है ना हम लोग काजल बनाते हैं और रात में काजल लगाकर सोते हैं, तो ये भी जो है ना एक शगुन होता है। आपके यहाँ इस तरह से होता है कि नहीं होता, मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, काजल जो है ना हमारे यहाँ ज़रूर बनाता है, ये परम्परा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। तो अपनी इच्छा अनुसार जो है ना आप दीपक जलाएं और अपने घर को जो है ना दीपक से जो है ना सजा देना। बिल्कुल सरल सादा तरीका जो है ना मैंने माता लक्ष्मी की पूजा करने का आपको दिखाया है। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ मेरे परिवार की ओर से। राधे राधे।